सौभाग्य की बात है कि मुझे हर साल इस देव कारज में यहाँ आने का मौका मिलता है। जो ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा यहाँ पे पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें हमारी देव संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाता है और उसके साथ साथ हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स, ट्रेड फेयर्स, हर तरीके से कुल्लू को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और मैं पिछले कल जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए वो भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें हमारे ग्रामीण स्तर के युवाओं को वॉलीबॉल में, कबड्डी में और आपका जो है वहाँ पे बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये जो एक हफ्ते का यहाँ पे समय होता है उसमें सब लोग यहाँ पर आकर अपनी देव आस्था भी प्रकट करते हैं और सब जो यहाँ पे और प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं उससे भी उसका भी फायदा लेते हैं। तो मुझे आज पुनः जो है वो यहाँ पे आने का मौका मिला है और भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और सभी जो यहाँ के देव समाज के हमारे देवी देवता जो कुल्लू से, मनाली से, आउटसराज से, मंडी से यहाँ पर आए हैं, सबका हमने आशीर्वाद लिया है और यही कामना करेंगे कि हिमाचल की तरक्की बढ़ती रहे, हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर आगे चलता रहे। खास करके जो त्रासदी इस इलाके में आई थी, बहुत भगवान की बहुत मेहर है कि इस साल इतना नुकसान हमारे इस इलाके के अंदर नहीं हुआ, मगर जो भी थोड़ा बहुत हुआ है उसको भी हम उसकी भी मरम्मत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारा विभाग सड़कों का रखरखाव करने में और जो और यहाँ पे नुकसान हुआ है उसको इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक बारी मैं फिर से इस कुल्लू दशहरे की जो है इस पर्व पे सभी प्रदेशवासियों को और खास करके कुल्लू जिला के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आज मुझे यहाँ पे विशेष आशीर्वाद रघुनाथ जी का मिला है उसके उससे भी मैं अपने को जो है बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ है। और देखिए ये तो बहुत पुराना दशहरे का जो उत्सव है तो बहुत सदियों से मनाया जा रहा है, मगर इसमें हर बार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है। और वर्तमान समय में भी जो हमारा प्रशासन है, हमारे स्थानीय विधायक है, CPS है, वो नए नए इसमें इनिशिएटिव लेते रहते हैं और उन्होंने इस बारी जो है हमारे कई एम्बेसीज के एम्बेसडर्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करीबन 10 एम्बेसडर्स यहाँ पर आ रहे हैं और कल्चरल ट्रूप्स बहुत से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, यूरेशियन कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से यहाँ पर आए हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, आने वाले समय में उनको एक्सपोजर मिलेगा और आने वाले समय में यहाँ के लोग भी, कुल्लू के लोग भी जब वहां पे इस तरीके के प्रोग्राम्स होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, ट्रूप्स यहाँ से भी जाएंगे, तो इससे एक हार्मनी आपस में बनती है और एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज होती है। क्योंकि आज जो हमारा विश्व है हर तरीके से ग्लोबलाइज्ड है, चाहे वो इंडस्ट्रीज आप ले लो, इंडस्ट्रीज में भी आज आज यहाँ पे कुछ बन रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है मगर उसका जो कंजम्पशन है वो अमेरिका में हो रही है। वैसे ही जो हमारा समाज है कल्चरल एक्टिविटीज में भी आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, इसलिए इन सब चीजों का एक मिलन होना बहुत आवश्यक है, मिश्रण होना बहुत आवश्यक है और इस तरीके के लिए जो नए इनिशिएटिव इसमें लिए जा रहे हैं ये सराहनीय है। आने वाले समय में इसको भी और बेहतर करने की आवश्यकता है और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अब ये एक रेगुलर फीचर बन जाना चाहिए। ये कोई सरकार की बात नहीं है, कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं और ये हमारा एनुअल कैलेंडर का एक पार्ट बन जाना चाहिए कि हर साल हमारे अलग अलग देश के यहाँ पे जो है वो ट्रूप्स यहाँ पर आए, उनके एम्बेसडर्स यहाँ पर आए और एक मिश्रण हमारे कल्चर का यहाँ पर हो, ये हम सबके लिए बहुत गर्वान्वित बात है। और हिमाचल तो वैसे भी देव भूमि है, यहाँ पे पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, हम सबका सत्कार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।